Myself Hamid Ali, I am student of Horticulture, 7th semester under the observation of Dr. Tanveer sir. I have assigned assignment to show you some protected structure and their importance in horticulture. इसी मकसद के लिए मैं आज इस्लामाबाद आया हूँ ताकि मैं आपको कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ बता सकूँ और उसकी अहमियत बयान कर सकूँ. अगर मैं आज आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है जो कि एक लोकली तैयार की गई है. इसका बेसिक मकसद ये है कि हम नर्सरी पर्पज़ के लिए इसको हमने इस्तेमाल के लिए इसको बनाया है. अगर मैं इसके आपको एरिया की बात करता हूँ, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो वो 1125 फीट स्क्वायर है. अगर मैं इसके विड्थ की आपको बात करूँ तो वो 8 फीट है. और अगर इसकी मैं अगर हाइट की बात करूँ तो वो 8 फीट है. और अगर इसकी विड्थ की बात करता हूँ तो वो 15 फीट है. अगर इसकी कॉस्ट पर आते हैं तो कॉस्ट 80 to 90,000 इसके ऊपर आया है. और इसकी लाइफ जो है वो 8 to 10 ईयर्स है. इसको बेसिक मकसद जो हमारा इस्तेमाल करने का वो ये है कि हम इसके अंदर सीडलिंग वगैरह तैयार करते हैं जिसको कोई ऐसा ख़तरा लाहक होता है फ्रोस्ट से या विंटर सीज़न के किसी भी हार्श इन्वायरमेंट से, तो हम उसको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जैसे कि ये जो सीडलिंग लगी हुई है ये बेगोनिया की लगी हुई है, इसको हमने लगाया हुआ है. बेगोनिया बड़ा सेंसिटिव होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सीडलिंग, बड़ा सेंसिटिव होता है फ्रोस्ट से, तो इसलिए हमने इसको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर लगाया. इसी तरह मैं आपको अगर स्नैक प्लांट की मिसाल देता हूँ, हमने स्नैक प्लांट अंदर रखा हुआ है. ये भी इनडोर है और एयर प्योरीफायर प्लांट है, लेकिन ये फ्रोस्ट से ये भी और येलोइश हो जाता है और स्पॉइल होने शुरू हो जाता है. अगर मैं कुछ फ़ायदों की बात करूं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के फ़ायदे क्या हैं, उसमें ये है कि आप ऑफ सीजनिंग कर सकते हैं, आप हार्श इन्वायरमेंट से बचाकर प्लांट्स को सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. गर्मियों वाले प्लांट्स को आप सर्दियों वाला मौसम दे सकते हैं बाय कंट्रोल्ड मेथड, और सर्दियों वाले प्लांट्स को जिस तरह अभी हमने ये दिया हुआ है आप गर्मियों वाला टेम्परेचर दे सकते हैं. ये इसके कुछ फ़ायदे हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो काफ़ी आती है, लेकिन इसके फ़ायदे अगर हम उसके मुकाबले में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं. थैंक यू सो मच.